Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. What's up guys, welcome back to another video. So guys, आपने गेम प्ले तो इस गन का देख लिया होगा। अब जितनी भी SMG हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द SMG खत्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई हैं, वो रह गई हैं जो मैंने बहुत कम इस्तेमाल की हुई हैं, जो ना और कुछ जो नए भी इस्तेमाल की हुई हैं। लेकिन फैरो तो मैंने यूज ही कभी नहीं की ना, पर आज फैरो नहीं, आज है GKS। तो ये वो गन है जब गन स्मिथ नहीं आया था ना, उस वक्त मैं ये गन यूज किया करता था। जब ये नई नई गेम आई थी, कोई रिलीज हुए अभी कोई 4 से 5 महीने हुए थे, उसके बाद से मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दी थी वाली, तो मैं उस वक्त गन यूज किया करता था। जैसे गन स्मिथ आई और अच्छी सी गन जा गई, फिर गन बहुत सारी बफ करने लगी, तो गन को मैं यूज करना छोड़ दिया। गन अभी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं आपको पहले इसका अच्छा सा लोड आउट दिखाऊंगा, पर उससे पहले हम इसको विदाउट एनी अटैचमेंट टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस पहले हम इसको लॉन्ग रेंज पर टेस्ट कर लेते हैं, और लॉन्ग रेंज पे आप देख सकते हैं बहुत 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 अच्छी गन है। अगर आप इसको विदाउट अटैचमेंट यूज करेंगे तो गन काफी ज्यादा अच्छी है। हेडशॉट देख लेते हैं, हेडशॉट एक लगी है, बट मोस्ट ऑफ द बुलेट्स हैं वो सारी गर्दन या अपर बॉडी पे लगी है, यानी कि गन काफ़ी अच्छी हो सकती है और ज़्यादा जब अच्छा लोड आउट यूज़ करेंगे तो। तो अगर स्टॉक की बात करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ उसके साथ RTC स्टडी स्टॉक। इससे क्या होता है कि ADS बुलेट स्प्रेड 7% कम हो जाता है, हिट फ्लिंच कम हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल रिकॉल कम हो जाता है। वैसे तो उसका रिकॉल बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट कम हो जाता है, यानी कि गन काफ़ी स्टडी हो जाती है, और इससे 12% ADS टाइम बढ़ जाता है और 12% ADS मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है। फिर बात करें बैरल की, तो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा की तरह OWC मार्क्समैन। इससे क्या होता है, बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है, डैमेज रेट 25% बढ़ जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल दोनों काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, एडीएस मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, और एडीएस टाइम बढ़ जाता है। इसके साथ मैंने मजल नहीं यूज किया, इसके साथ मैं लेजर यूज कर रहा हूँ, तो लेजर मैं यूज कर रहा हूँ हमेशा की तरह अगेन OWC लेजर टैक्टिकल। इससे क्या होता है कि एडीएस टाइम कम हो जाता है और एडीएस बुलेट स्प्रेड भी कम हो जाता है, और डाउन साइड विजिबल लेजर साइट। अच्छा, नॉर्मली मैं गन के साथ एमुनेशन नहीं यूज करता, उन गन के साथ यूज करता हूँ जिनके जो तेज गन्स होते हैं लाइक फिनिक M13 वगैरह, बट मैं इसके साथ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एमओ कम है और गन काफी स्टेडी है और एमओ कम है, तो अगर इकट्ठे बंदे आ जाए और आप उनको मारना चाहें तो फिर बुलेट जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं दो रिकमेंड कर रहा, हालांकि 45 और 40 राउंड भी है, मैं इसलिए ये रिकमेंड करूँ क्योंकि इसके फायदे और नुकसान नहीं है। इसका एक फायदा एक नुकसान है, इसका एक फायदा तीन नुकसान है, तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, आपकी 7 बुलेट्स प्लस हो जाती है, रीलोड टाइम भी कम हो जाता है। तो ग्रिप की बात करें तो ऑब्वियसली गन लोडेड ग्रिप टेप, ADS बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है और ADS मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाती है, इससे वो उसके नेगेटिव साइड पे आता है। सेकंड नेम अपनी की बात करें तो मैं इसको रोनाटी, उसके बाद ऑपरेटर स्किल इनहाइलेटर, लीथल मोलोटोल्व, टेक्टिकल हीट बीट सेंसर, स्कोच स्ट्रीक जो यूज करता हूँ मैं, सेंट्री गन, सेल चॉपर, वीटोल, पर्क की बात की तो फ्लैग जैकेट, ग्रीन वाला पर्क वल्चर और ब्लू वाला पर्क में अलर्ट यूज करता हूँ। तीनों को मैं हमेशा को बता चुका हूँ क्या होता है कि रेड वाला जो पर्क होता है, इससे क्या होता है कि बम या थर्माटा के पास फटेज आप सर्वाइव कर जाते हैं। इससे ग्रीन वाला पर्क से क्या होता है कि आपकी एमओ को भी खत्म नहीं होती, अब आप अपने अपोनेंट को मारें और आप उसकी बुलेट ले सकते हैं। और इससे क्या होता है ब्लू वाले पर्क से कि अगर आपको बंदा अप्रोच करो तो आपको मिनी मैप में नजर आ जाता है, रेड डॉट बने हुए आ जाते हैं कि आपको बंदा कोई अप्रोच करें, स्पेशली SMG में बहुत काम आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा कर लगे। कल हाफिस।